नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, तो क्या है पूरी खबर की जानकारी और क्या होने वाली है पूरी प्लेइंग 11 बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि टीम इंडिया WTC का फाइनल मुकाबला जीते तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, भारत के कप्तान विराट और कोच रवि शास्त्री न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जून से शुरू हो रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 की घोषणा की है। उन्होंने इस टीम में स्टार ऑलराउंडर हनुमा बिहारी को जगह नहीं दी है। बिहारी ने सोमवार को इंट्रा स्क्वाड मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पारी खेली थी। कोच और कप्तान बिहारी के अलावा WTC फाइनल के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज ईशान शर्मा को न खिलाकर सभी लोगों को हैरान कर दिया है। बल्लेबाज की बात की जाए तो कप्तान ने सलामी जोड़ी के रूप में रोहित शर्मा और शुभमन गिल को चुना है। गिल ने इंट्रा स्क्वाड मैच में शानदार पारी खेलकर WTC फाइनल के लिए अपना दावा मजबूत किया। उन्होंने इसके अलावा उम्मीद के मुताबिक मिडिल ऑर्डर में चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अंजिक्य रहाणे और ऋषभ पंत को चुना है। WTC फाइनल के लिए भारत की टीम कुछ इस तरह से है। विराट कोहली के अनुसार ओपनिंग रोहित शर्मा, शुभमन गिल करेंगे। इसके अलावा नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर अंजिक्य रहाणे, नंबर 6 पर ऋषभ पंत, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर आर अश्विनी, नंबर 9 पर मोहम्मद शमी, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 पर है मोहम्मद सिराज होने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।